स्वागत छ सबैजनालाई। आज चाहिँ मलाई एकदम यो बिहानै यो जमजम इलेक्ट्रोनिक्सको नाम लगेर बिहानै एकदमै फ्रडवालाले यहाँ मलाई यो म्यासेज गरेछ। एकदमै यो अहिले नेपालमा एकदमै ठग्ने यो बिगबिगी बढ्या छ। अनि अर्को नम्बरबाट चाहिँ मलाई चाहिँ यो डेलिभरी बोयको नम्बर हो, यसमा चाहिँ कुरा गर अनि त्यहाँबाट चाहिँ ऊ गर्छ के अरे उसले पठाइदिन्छ भनेर भनेको थियो। अब उसले रेकर्ड पनि के पठाउँदैछ। अनि मलाई त्यो म्यासेज आयो अनि मैले चाहिँ यो डेलिभरी बोयको को रहेछ अब मलाई त्यो ठगो भन्ने मलाई थाहा भइसकेको थियो। अनि कस्तो रहेछ के रहेछ भनेर मैले यसो बुझ्न खोजेको। बक्स नम्बर 8 मेरो हो भने मैले उसले चाहिँ मैले कल गर्दाखेरि लाइभ लोकेसन के अरे लोकेसन पठाइदियो भने मैले यो जे पाएँ लोकेसन राखेर पठाइदिएँ। अब चाहिँ उसले त्यो डेलिभरी भइस यो DHL भन्ने छ ऊ यहाँ जमजम इलेक्ट्रोनिक्सको यो 8 बक्स यस्तो जी भाई देखिए सभी कोरी आया हुआ है, आपको नजर आ रहा है सामने आपका बॉक्स है 8 बॉक्स जो दुबई से आया है, सामने आपको नजर भी आ रहा है। ये आपका 8 बॉक्स है सर जो हमने यहाँ से डिलीवर करना है। तो आप ऐसा करिए प्लीज अपना एड्रेस भेज दीजिए, अपना नाम भेज दीजिए और मोबाइल नंबर भेज दीजिए जहाँ पर ये डिलीवरी हमने भेजनी है। ओके सर ल। अनि यति भनेपछि मैले चाहिँ यो लोकेसन पठाइदिएँ। अब चाहिँ मलाई एउटा यो 8 बक्सभित्र DHL भनेर यो चाहिँ कुरियर अफिसको चाहिँ त्यो ट्याग बाहिर चाहिँ के अरे ट्याग लागेको चाहिँ यो बक्स पठाइदियो। अब म यो बक्स हेर्छु है के रहेछ। अस्सलाम वालेकुम जी, हम कुरियर अफिस से बात कर रहे हैं। ये देख लें आपका बॉक्स नंबर 8 है, हम आपके सामने ओपन कर रहे हैं। ये आपका मोबाइल है ठीक है, इसके ऊपर देखें ये GST चार्ज आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ फाइल के ऊपर GST चार्ज। ये हमारा कोरियर बॉय की तरफ से हमारा कोई भी चार्जेस नहीं है, आपकी होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। ये अपना फ़ोन देख लें, ये GST चार्ज जैसे आप भरते हैं पे करते हैं, पे करने के बाद में 3-4 घंटों के अंदर अंदर आपका ये पार्सल आपका बॉक्स लेकर हम आपके घर पर पहुँच जाएंगे ठीक है। ये आप देख लें अपना फ़ोन, बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल हमारी तरफ से कोई भी टैक्स कोई भी चार्जेस नहीं है। ये GST का टैक्स है 4,000 ठीक है। ये 4,000 हेर्नुहोस् है GST का टैक्स। अब चाहिँ यसले पैसा माग्न सुरु गर्यो। अब चाहिँ GST का टैक्स भनेर यसले के भन्यो 4,000 पठाइदिनु पर्यो। आइसी फेरि नेपाली 4,000 होइन है, आइसी 4,000 पठाइदिनु पर्यो। त्यसको चाहिँ 7,000 हुन्छ भनिरहेछ है सादा। अनि चाहिँ मैले यहाँ अनि फेरि मलाई सँगै यो एउटा ऊ पनि पठाइदिएको छ रेकर्ड। ये प्यारे भाई आपके पार्सल के ऊपर GST इमिग्रेशन एयरपोर्ट का टैक्स लगा सर, ये टैक्स आपने अभी जमा करवाना है सर। जैसे ये टैक्स जमा करवाओगे ना तो यहाँ से सर मैं आपके पार्सल का ऑर्डर बुक करवा के और आपके नाम पे रजिस्टर करवा के डिलीवरी निकालूंगा सर। ल यो यो पैसा पठाइदेऊ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यो यो के अरे ऊ गरिदिन्छु अर्डर भइसक्यो। यो चाहिँ आइफोन चाहिँ जमजम इलेक्ट्रोनिक्सको तर्फबाट आएको आइफोन चाहिँ तँलाई पठाइदिन्छु। पहिला चाहिँ यो GST यो चाहिँ तिर्न पढेका भनेको छ, यसले चाहिँ त्यो पैसा तिर्नु पऱ्यो पहिला अनि भनेर भनेको छ। अनि मैले चाहिँ यो मलाई फेरि कल पनि गऱ्यो सँगसँगै, मैले ठिक है भने मैले ठिक छ भने अनि मलाई सँगसँगै कल पनि आयो। कल आइसकेपछि म कहाँ पर जम्मा गरौँ, अब मैले चाहिँ कता जम्मा गर्ने के गर्ने कुन खातामा खाताको डिटेल पठाइदियो भन्दाखेरि सवन कुमार खुसवा भन्ने नामको यो चाहिँ खाता एकदम माछापुच्छे ब्याङ्कको यो चाहिँ लुटुवा खाता चाहिँ उसले पठाइदियो। ल सँगसँगै एउटा चाहिँ यो रेकर्डेड साउन्ड पनि पठाएको छ, के रहेछ हामी सुन्छौँ है त। भैया देखो आपको ई सेवा क्यू आर कोड स्कैनर भेज दिया, इसी में आपने सर ये पैसा आपने जमा करके भी सक्सेसफुल का पूरा स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके पार्सल का यहाँ से ऑर्डर बुक करवा के डिलीवरी निकालूंगा ठीक है। ल ई सेवाबाट चाहिँ यो पैसा जम्मा गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर पठाउनुहोस्, त्यसपछि पार्सलमा बुक गरेर म पठाइदिन्छु भने यसले है। अब भनिसकेपछि अनि फेरि सँगसँगै कल पनि गरेको थिएँ अनि कल मैले उठाएन अनि त्यसपछि फेरि अर्को पठाइदियो। जी प्यारे भाई अभी आपको ये टैक्स जमा करने में कितना टाइम लग रहा है मेरे भाई, अगर ये टैक्स जमा करवाओगे तो यहाँ से मैं आपके पार्सल का ऑर्डर बुक करवा के आपको लोकेशन पे डिलीवर करूँगा। ल यसले यसले चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यो पैसा जम्मा गर्न पनि कति टाइम लगाएको, यो छिटो जम्मा गर म यहाँ एयरपोर्टमा कुरिरहेको छु छिटो पठाइदिन्छु भन्यो त्यसले। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि डेलिभरी बोयसँग म पैसा पठाइदिन्छु, तिमी चाहिँ त्यो सामान मलाई पठाइदेऊ भनेछु मैले, अनि त्यो भनेपछि रिप्लाई के दिन्छ है त। आई एम सॉरी मेरे भाई ऐसे नॉट अलाउड, ऐसे नहीं होगा, ये GST इमिग्रेशन एयरपोर्ट का टैक्स है, ये एयरपोर्ट का टैक्स आपको पहले ऑनलाइन जमा करवाना पड़ेगा, जैसे आप ये ऑनलाइन जमा करवाओगे तो यहाँ से मैं आपके पार्सल का ऑर्डर बुक करवा के आपको लोकेशन पे शाम तक डिलीवरी करूंगा सर। ल यो चाहिँ एयरपोर्टको टैक्स हो अरे, यो चाहिँ यो जम्मा नगरिकन बाहिर लिन पाइँदैन
सामान चाहिँ के गर्न मिल्दैन, पठाउन मिल्दैन, पार्सलमा हाल्न मिल्दैन, त्यही भएर त्यो चाहिँ चाँडो पठाइ उ गरिदिनु पऱ्यो भने म है त्यसले चाहिँ। अनि त्यसपछि अनि खातामा जम्मा गरिदिउँ कि अनि डेलिभरी बोय चाहिँ दिउँ, अब म चाहिँ खातामा नै के अरे डेलिभरी बोय चाहिँ नै दिउँला भने मैले कुरा गर्दाखेरि, अनि मैले चाहिँ एउटा त्यही भनेर मैले एउटा भोइस रेकर्ड पनि पठाएँ, त्यो भन्दाखेरि उसले चाहिँ यस्तो भन्छ अरे भाई आपने ये टैक्स अभी जमा करवा के स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके पार्सल के यहाँ से ऑर्डर बुक करवा के डिलीवरी निकाल दूँ और शाम 7-8 बजे तक मेरे भाई आपके घर के लोकेशन पे आपको पार्सल डिलीवर हो जाएगा निकाल। ल हेर्नुहोस् है, अब यो एकदमै फसाउने कुरा छ यहाँ। अब यसले चाहिँ मलाई भिडियो कल गर्छ है, अब त्यसपछि चाहिँ अलि अगाडि मलाई भिडियो कल गर्छ, भिडियो कल गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ 2 मिनट कल भएको छ। त्यो 2 मिनटमा उसले के देखायो भन्दाखेरि पुरै त्यो डिएचएलको अफिस, डिएचएलको अफिसमा पुरै कुरियर जस्तो सामान राखेको, त्यो जुन कि त्यत्तिकै पनि भिडियो क्यामेरामा यो ब्याकग्राउन्डमा राख्न मिल्छ क्या, त्यत्तिकै त्यो ब्याकग्राउन्डमा एउटा भिडियो प्ले गर्न मिल्छ, कतिलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई, त्यो एकदमै फेक हो त्यो। अनि त्यसपछि त्यसबाट चाहिँ अनि पुरै त्यो डिएचएलकै अफिस जस्तो भएर कुरा गरिसकेपछि ओहो यो त स्योरै रहेछ है भनेर मान्छे चाहिँ यति बेला हो है हतारिने, एकदमै मजाले यो चाहिँ एकदमै एकदम बढी ठगिरहेछ नेपालमा। यस्तो केसहरू डेली 5-6 हजार चाहिँ भइराखे मान्छेलाई गरिराखेको छ है यसले डेली जसो। अनि त्यसपछि उसले अब 2 मिनट त्यो कल भइसकेपछि अनि मैले चाहिँ त्यो हुन्छ म जम्मा गरिदिन्छु भने मैले, अनि त्यसपछि चाहिँ उसले एउटा फेरि रेकर्ड पठाएछ। अरे भाई आप 4 हजार जमा करवा के अभी स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपके पार्सल का ऑर्डर बुक करवा के डिलीवरी निकाल दूँ और 3 हजार शाम को आप कैश में कर दीजिए। ल मैले चाहिँ अहिले 7 हजार छैन, मैले चाहिँ 3 हजार मात्रै छ मसँग भने मैले, उसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि 4 हजार हालिदेऊ अनि साँझ चाहिँ त्यो डेलिभरी बोयसँग चाहिँ 4 हजार के अरे 3 हजारहरू तिमीले दिनु त्यहीँ दिनु, अहिले चाहिँ मलाई 4 हजार हालिदेऊ भनिरहेछ उसले। अनि त्यसपछि मेरे भाई आपने इस सेवा में से भी जमा कर सकते हो, आपने इस सेवा में से भी जमा कर सकते हो, या किसी शॉप पे चले जाओ वहाँ से जाके ये पैसा जमा करवा के स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर दो। अनि मैले चाहिँ इच्छा तो मेरे पास नहीं, मैले चाहिँ के भनेको छु भन्दाखेरि मेरोमा इच्छा छैन, अनि त्यसपछि इच्छा छैन भनेपछि अनि उसले चाहिँ के भन्यो भने अनि सपमा गएर कुनै पसलमा गएर जम्मा गरिदेऊ भनिदेऊ भन, त्यहाँबाट पनि जम्मा गरिदिन्छ, अनि त्यसपछि तिम्रो इच्छाबाट पनि जम्मा गर भनिरहेछ। अनि मैले चाहिँ त्यो छैन म ब्याङ्कमा गएर जम्मा गर्छु, ब्याङ्कमा गएर जम्मा गर्छु, खाता नम्बर पठाइदियो भन्दाखेरि के भन्छ ल है त। अरे भैया आप शॉप पे चले जाओ, शॉप से जाके ये पैसा जमा करवा के भी आधे घंटे से पहले आपने ये स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप करना, तो मैं आपके पार्सल का ऑर्डर बुक करवा के डिलीवरी निकालूंगा जो शाम 7-8 बजे। पसलमै गएर त्यो के जम्मा गर भनेको छ है यसले। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले हुन्छ म पसलमा चाहिँ हुँदैन, मसँग चाहिँ ब्याङ्कमा छ पैसा, म ब्याङ्कमा गएर जम्मा गर्छु भनेर भनेको छु। अनि के भन्छ, चले मेरे भाई ठीक है, कोशिश करो आधे घंटे से पहले ये पैसा जमा करके स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर दो। ल अब कोशिश कर, अनि आधी घन्टा यो त्यो चाहिँ पैसा नपठाएसम्म यसले चाहिँ एक स्टेप अगाडि बढ्दैन भनेर भनिरहेछ। एकदमै यो चाहिँ एकदमै फ्रड हो यो, तपाईँहरू अलिकति यो अलिक सजग रहनुपर्ने कुरा हो यो, अनि एकदमै जोगिनु होला, सतर्क अपनाऊ, सतर्कता अपनाऊ। यत्तिकै कसैले पनि गिफ्ट दिँदैन, गिफ्ट दिनलाई त अनि केही न केही मैले गरा हुनु पऱ्यो नि, मसँग के अलिकति मैले चिनेको ठाउँ, मैले बुझेको जानेको ठाउँ हुनु पऱ्यो नि, यत्तिकै गिफ्ट मलाई कोही दिन्छ त्यो त अब त हामीले सोच्नै हुँदैन नि त्यो कुराहरू। अनि त्यही भए हुनाले एकदमै यो गिफ्ट भन्ने कुराको पछि फेसबुकमा आएको म्याच यो के अरे जुन यो युट्युबमा अनि त्यसरी सोसल मिडियामा आएको चाहिँ यो गिफ्ट भन्ने कुराबाट तपाईँ एकदम टाढा रहनुपर्ने देखिन्छ है। ल अब यो जोगिनु होला भन्दै मैले चाहिँ आजलाई यति नै गरेँ, जमजम इलेक्ट्रोनिक्सको ठगी धन्दाको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई प्रष्ट गरेँ। यसरी अब यसरी ठग्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो, अब चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अलि जोगिनु पर्ला है। ल